कान्हा की नगरी वृंदावन में बुधवार को गणेश चतुर्थी पर्व विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के मध्य धूमधाम से मनाया गया, जिससे कान्हा की नगरी सिद्धि विनायक भगवान गणेश के जयकारों से गुंजायमान हो उठी। अठखंबा स्थित प्राचीन मोटा गणेश मंदिर पर शिवायतों द्वारा प्रातः भगवान श्री गणेश का अभिषेक का पूजन किया गया। वहीं गणेश चतुर्थी पर्व के मौके पर मंदिर में प्रातः से भक्तजनों की भीड़ उमड़ने लगी, जहां भक्तों ने श्रद्धा भाव से विघ्न विनाशक गणेश जी का पूजन व लड्डुओं का भोग निवेदित कर पुण्य कमाया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोस्वामी ब्रजभाई लाल। ये कौन सा मंदिर है और आज क्या आयोजन किया जा रहा है? ये मोटा गणेश जी का मंदिर है, यहाँ वृंदावन में प्रसिद्ध मंदिर है। ये ठाकुर जी के समय का, जब ठाकुर जी आए थे, राधा बल्लभ और कृष्ण बांके बिहारी जो भी आए थे, उसी समय का बना हुआ है, उसी समय का ये मंदिर बना हुआ है। और विख्यात मंदिर है, जो यहाँ की पहले यहाँ की सेवा होती है, तब उसके बाद है राधा रानी बाद में मिलती है। पहले यहाँ आता है आदमी, कोई नतमस्तक हो, लाल लड़ाता है गणेश जी से, तब इनकी कृपा से राधा रानी प्राप्त होती है। क्या क्या आयोजन किए गए आज? यहाँ पे जो है मंगला, यहाँ पर सुबह सुबह जो है अभिषेक हुआ ठाकुर जी का, गणेश जी का, बहुत बढ़िया धूमधाम से उत्सव होता है और हर साल कुंभ मनाते हैं बढ़िया। यहाँ विशेष जो है, अब ये दोपहर को जो है राजभोग आरती होगी, भंडारा होगा और छप्पन भोग का शाम को आयोजन है, 6:30 बजे दर्शन खुलता है छप्पन भोग का, फिर विशेष आरती होती है 9:30 बजे। हाँ, सुबह से भक्तों की भीड़ खूब चकाचक है, वो यहाँ तो जो भी आया वो मुराद पूरी होती है गणेश जी के नाम से। ये विख्यात इतना मंदिर है पूरे विश्व के अंदर, मोटा गणेश के नाम से खाली, और रिद्धि सिद्धि जाया गया, ये रिद्धि सिद्धि कहीं नहीं मिलेंगे आपके लिए, पूरे कहीं चले जाना आप, रिद्धि सिद्धि के यही है, समझ लो ठाकुर जी की प्रेरणा से। ये ठाकुर जी के अवतार हैं, कृष्ण के अवतार ही तो हैं ये कृष्ण को और राधा रानी को, जब तक इनको यहाँ नतमस्तक नहीं होता है तब तक ठाकुर जी नहीं मिल सकते हैं। यहाँ वृंदावन के राधा रानी का यहाँ राज है, पहले इनके नतमस्तक करो, खूब चकाचक आनंद होता है सबके लिए। सब वंशी का अग्रवाल है, आज पूजा अर्चना की है गणपति महाराज की, क्या मांगा, किस तरीके से? यही मांगा है कि हम पढ़ाई में और अच्छे सफल करें और सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम प्राचीन मोटा गणेश मंदिर पर आए हैं, जिससे कि हमारा पूरा संसार अच्छा रहे और सुख समृद्धि बनी रहे।